एस टू ब्लॉकर है अब यह करती क्या है इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जी आई टी अल्सर अब यह किस तरह एक्ट uh, करती है इट इज अलेक्टिव रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव एंटेगनिस्ट एट एच टू रिसेप्टर अब जब पराइटल सेलों का उसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिन रिसेप्टर हिस्टामिन रिसेप्टर्स हो सकते हैं मस्कोरेनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं पोस्टग्लैंड रिसेप्टर्स हो सकते हैं तो ये हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करेगा इसी तरह जो मास सेल्स होते हैं या मास लाइक -like सेल्स होते हैं वो हिस्टामीन रिलीज करते हैं ये उनको भी जाकर ब्लॉक करेगा सो इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो अल्सर फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगी इट ऑल्सो इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ हिस्टमिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स और द मास्ट लाइक सेल्स इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा तो अगर हम जीआईटी के अल्सर्स की बात करें कि जीआईटी के अल्सर्स किस तरह हो सकते हैं तो जो प्राइटल सेल्स हैं स्टमक के वो क्या करेंगे एच की प्रोडक्शन करवाएंगे उस एच की वजह से क्या होगा म्यूकोजा की इरोजन होगी जिसको हम कहेंगे अल्सरेशन अभी जो प्राइटल सेल है इसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं गैस्ट्रिन हो सकता है इसके ऊपर हिस्टामिन रिसेप्टर्स हो सकते हैं इसके ऊपर मस्कुरैनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो कि एसीटाइलकुलीन से स्टिमुलेट होंगे इसके अलावा अलावा इसके ऊपर प्रोस्ट के भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं लेकिन ये जो प्रोस्टागलैंड के रिसेप्टर्स हैं दे आर बेनिफिशियल ये अल्सरेशन नहीं करवाते ये अल्सरेशन को रोकते हैं तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एच पाइलोराई की इन्फेक्शन हुई वो एच पाइलोराई क्या कराएगा गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन करवाएगा अब ये गैस्ट्रिन क्या करेगा एक तो इस गैस्ट्रिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाएगा दूसरा ये गैस्ट्रिन क्या करेगा मास्ट सेल्स या फिर मास्ट लाइक सेल्स को एक्टिवेट कराएगा ये मास्ट सेल्स क्या करेंगे ये हिस्टामिन रिलीज करेंगे ये हिस्टामीन जो होगी हिस्टामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी अब गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं या फिर हिस्टामिन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं या फिर कोई हमारे पास वेगस नर्व की स्टिमुलेशन आई है जिसने क्या किया एसिटाइलकुल रिलीज कराया टकुलन ने क्या किया मास्कुरेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रेस कंडीशन जिससे हम स्ट्रेस अल्सर कें तो गैस्ट्रिन हिस्टामिन और मास्कुरेनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा दूसरी साइड के ऊपर प्रोटॉन पंप होगा ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर की तरफ फेंकेगा और एट द कॉस्ट ऑफ पोटाशियम और पोटाशियम जो है वो अंदर इंपोर्ट हो जाएगा अब ये पोटाशियम क्या करेगा ये एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस बाहर चला जाएगा सो को ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोटाशियम जो है वो बाहर चला गया और किसके साथ बाहर गया विद क्लोरीन ठीक है क्लोराइड आयन के साथ और ये क्या है ये एक को ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड और पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है अब ये एच और सी एल मिलेंगे और ये एच सी एल बनाएंगे और ये क्या करेगा म्यूकोजा की डैमेज करवाएगा और इस डैमेज की वजह से जो होगा वो अल्सरेशन होगी अब डिफरेंट ड्रग्स जो है वो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस एच पाइलोराई को ट्रीट करने के लिए हम ट्रिपल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें मेट्रोनाइडाजोल होगा क्लेरीथोमाइसिन होगा और उसके साथ एमॉक्सीसिलीन होगा दिस कॉल्ड ट्रिपल थेरेपी और ये एच पाइल को रेडिकेट करेगी इसके अलावा जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं किस तरह एच टू ब्लॉकर्स के थ्रू जो कि सैमैटेडीन फेमोटिडीन राइनाइटेडीन वगैरह हो सकते हैं इसके अलावा और और किस तरह हम अल्सरेशन को रोक सकते हैं अब ये जो एच सी एल बना है इसको हम काउंटर कर सकते हैं किस तरह काउंटर कर सकते हैं कोई वीक बेस देकर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देकर ठीक है जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा एच को और प्रोस्टाग्लैंड की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा उसके अलावा जो म्यूकोजा डैमेज हो होगी है इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं किस तरह ट्रीट कर सकते हैं बिसमत कंपाउंड्स देकर ट्रीट कर सकते हैं ये बिसमत कंपाउंड्स क्या करेंगी ये एंटीबैक्टीरियल है म्यूकोजा की प्रोटेक्शन करेंगे म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे बाईकार्बोनेट्स को इंक्रीज करेंगे और इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंड की सिंथेसिस भी इंक्रीज करेंगे इसके अलावा म्यूकोजा को हम और भी एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं सुकराल फेट देकर अब ये सुक्राल फेल्ट क्या

ठीक है नॉर्मली जो है वो अल्सरेशन नहीं करवाते प्रोटेक्टिव है एक लेयर बना देते हैं तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर हम सपोर्ट करें विद द हेल्प ऑफ मीजोप्रोस्टोल जो कि क्या करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा किस तरह एक्टिवेट करेगा ई पी थ्री सब टाइप के ऊपर बाइंड करेगा ठीक है और क्या करेगा प्रोस्टग्लैंड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा बाई की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कराएगा और म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कराएगा और जिस इस तरह ये मीजो जो है वो अल्सरेशन को प्रिवेंट कर सकता है हाँ अगर हम एन एनसीड दे दें नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लैमेटोरी ड्रग जिस तरह इब्रोप्रोफिन एस्प्रीन वगैरह तो ये क्या करेंगी इस प्रोस्टगलैंड को जाकर ब्लॉक करेंगी प्रोस्टगलैंड की सिंथेसिस को एनसीड जो है वो ब्लॉक करती हैं

सैमेटिडीन हम क्यों यूज़ कर सकते हैं पैप्टिक कल्सर की ट्रीटमेंट के लिए डुआडिनल अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए गर्ड की ट्रीटमेंट के लिए और एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए uh, तो टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स साइमेटेडीन क्या हो सकते हैं दे आर वेरी अनकॉमन हेड हो सकता है जीआई आई डिस्टर्बेंसेस ये सारे सिर्फ साइमेटिडीन के साथ हैं तो अगर हमें कभी हिस्टामिन ब्लॉकर्स जो है चूज करने पड़े साइमेटेडीन फेमोटिडीन राइनाटिडीन और नाइजाटेडीन में से तो साइमेटिडीन को कभी भी चूज मत कीजिएगा इसके अलावा मेन में क्या करेगी गाइनकोमेस्टिया और विमेन में क्या करेगी ग्लैक्टोरिया उसके अलावा कंफ्यूजन डिसोरियंटेशन और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट ये सारे के हैं ओके फाइनली वी हैव ड्रग्स विच वी कैन यूज इन जी आई अल्सर्स सबसे पहले इसमें एंट एसिड्स आएंगे एंट एसिड्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट आ सकते हैं उसके अलावा एच टू ब्लॉकर्स हैं हिस्टामिन ब्लॉकर्स जिससे किसाइमेटेडी डाइनाटेडीन फेमोटेडीन एंड नाइजैटेडी उसके अलावा कुछ पी पी आईज है जिन्हें हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइसिस प्रोटोन पम्प इनहेबिटर्स ओमैप्राजोल इसल डेंग्राजोल पेंटोप्राजोल एंड देन वी फाइनली हैव एलुमिनियम सुक्रोसलफेट अब ये एल्यूमिनियम सुक्रोसलफेट क्या है दिस इज

पायलोराई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनाइडोल वी कैन यूज इट फॉर फॉर ट्रिपल थेरेपी। उसके अलावा आईबीडी अगर इन्फ्लैमेटोरी बावल डिजीज जिसमें अल्सरेटिव कुलाइटस और क्रोन डिजीज आ जाती हैं इसमें भी अल्सर्स बनते हैं और इसकी ट्रीटमेंट में आ सकता है मिसालामीन विच इज फाइवर माइनोसिलिसलिक एसिड उसके अलावा अमाइनो एसिड के कुछ और और हैं जिसमें आ सकते उसके अलावा कुछ एजो कम्पाउंड है जिसमें बेलसाला और सल्फालाजीन uh, आ सकते हैं, है आ सकते हैं। आ, इसके अलावा इन्फ्लैमेटोरी बावल डिजीज आईबीडी जो है उसमें एंटीबायोटिक्स का कवर देंगे स्टीरोइड देंगे जिसमें ब्यूडिसनाइड विच इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकोटिकॉइड ये देंगे उसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स है जिसमें और मिथोट्रेक्सेट आ सकते हैं ये देंगे देन आई में इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज में और क्या दे सकते हैं एंटी टी एन एफ ड्रग्स दे सकते हैं जो कि टी एन एफ के, के अगेंस्ट काम करेंगे आर गोलीमिमाब डेलीमिमाब एंड इन्फ्लेक्सिमा इसके अलावा आईबीडी में दो और ड्रग्स दे सकते हैं एंड दीज आर ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसके अलावा अगर ईसोफेजल वायरसिस हुई हैं तो उसमें ऑक्ट्रोटाइड और प्रोप्रैनोलोल देंगे नाउ दिस ऑक्ट्रोटाइड इज सोमैटोस्टैटिन एनालॉग वैल दिस प्रोप्रेनोलोल इज Beta blocker and these two drugs are for esophageal varices.